अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केपीके क्लास 8 के एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा है कि रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है और कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है। और फिर हमने कंपाउंड प्रोपोर्शन का जनरल फार्मूला भी पढ़ा था कि कंपाउंड प्रोपोर्शन का जनरल फार्मूला किस तरह है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में और वो हम कंपाउंड प्रोपोर्शन के फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 10 कंफ्यूजर्स टाइप अ बुक ऑफ 25 पेजेस एंड 5 डेज, इन हाउ मेनी डेज द सेम कंफ्यूजर्स वुड टाइप अ बुक ऑफ 45 पेजेस। एक 10 कंफ्यूजर है तो इधर हम लिखेंगे, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि इधर हम लिखें कंफ्यूजर और इधर लिखते हैं फिर क्या है पेजेस और फिर लिखते हैं डेज। तो बस इसको इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, कंपोजर कितने हैं 10 हैं और पेजेस कितने हैं 75 हैं और डे कितने हैं 5। फिर कहता है कि इन हाउ मेनी डेज, तो डे हमारे पास क्या है अननोन है। द सेम कंपोजर का मतलब ये है कि यही 10 कंपोजर है और डे कितने हैं 45 है। तो अगर यही कंपोजर है और 45 पेजेस वाला बुक कंपोजर करता है तो कितने दिनों में करेगा। तो हमने ये भी पढ़ा था कंपाउंड प्रोपोर्शन के जनरल फॉर्मूले में कि जो अननोन क्वांटिटी होता है उसको हम इस एरो से शो करेंगे, अपवर्ड एरो से, जिसका हेड अपवर्ड हो। आप इसको डाउनवर्ड भी ले सकते हैं लेकिन बस फॉर्मूले में है, इस तरह हम अब लिखते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका हम एरो क्या लिखेंगे, अपवर्ड लिखेंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप अपवर्ड आप डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन फिर जब इसके साथ जो दूसरा क्वांटिटी अगर डायरेक्ट आता है तो वो भी आप डाउनवर्ड लिखेंगे। अब इसके साथ यही जो क्वांटिटी है इसको हम देखेंगे, इस प्रोपोर्शन को, अगर ये जो प्रोपोर्शन है अगर इसका साथ डायरेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, ये क्वांटिटी अगर इसके साथ डायरेक्ट है तो हम अपवर्ड जिस वो एरो लिखेंगे जिसका हेड अपर है, अपवर्ड है। तो यहाँ क्या है, अगर 5 डे है तो 75 पेजेस को कंपोज करेगा, अगर यही कंपोजर है लेकिन 45 पेजेस कंपोज करता है तो मतलब है कि दिन भी कम हो जाएंगे। अगर हम पेजेस को कम करते हैं तो डे भी कम हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह हमने पढ़ा है कि अगर प्रोपोर्शन दो किस्म के हैं, एक है डायरेक्ट एक है इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो है कि अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक को हम कम करते हैं तो दूसरा भी कम हो जाएगा। तो इस तरह अगर हम पेजेस को बढ़ाते हैं तो डे भी बढ़ेगा, अगर हम पेजेस को कम करते हैं तो डे भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपोजर तो 10 है, सेम कंपोजर है। तो इससे यह क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब ये तो ऑलरेडी क्या है 10 है, इधर भी 10 है, तो ये तो ऑलरेडी क्या होगा, एक साथ डायरेक्ट होगा। बस हमने ये भी पढ़ा है कि हम फिर क्या करेंगे कि टेल डिवाइड बाय हेड, टेल क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हेड वाली क्वांटिटी पर। लेकिन किस तरह लिखेंगे, जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लिखेंगे, टेल क्या है एक्स है तो इधर लिखेंगे एक्स, फिर लिखेंगे डिवाइड बाय 5। जो अननोन क्वांटिटी है वो हम इक्वल करेंगे, ये जो दूसरा क्वांटिटी है आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन किस तरह कि वो हेड को हेड के साथ, टेल को टेल के साथ, लेकिन हेड ऊपर, सॉरी टेल हमेशा हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ टेल क्या है 10 है और हेड भी 10 है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टेल 45 है और हेड क्या है 75 है। अब इस 5 को अगर 10 कैंसिल, अब इस 5 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 2 चला गया 5 5 ज़र 25, 15 1 ज़र 15, 15 3 ज़र 45। तो x हमारे पास किसके बराबर है, 3 के। मतलब यह है कि यही 45 पेजेस कितने दिन में ये कंपोज करेगा, 3 डेज में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। बस यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और पहले देखें कि आई डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन है। वीट कास्टिंग आर एस 480 इज नीडेड फॉर 8 मेंबर्स फॉर 20 डेज। वीट कास्टिंग 480 है और 8 मेंबर है 20 दिन के लिए। व्हाट इज़ द कास्ट ऑफ वीट, क्या कास्ट होगा वीट का, रिक्वायर्ड फॉर 12 मेंबर, अगर मेंबर 12 हो जाए फॉर 15 डेज 15 दिन के लिए।
तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि इधर हम लिखेंगे, एक लिखेंगे कास्ट, दूसरा लिखेंगे मेंबर, और तीसरा हम लिखेंगे डैश। तो बस कास्ट कितने हैं, 480 हैं, मेंबर कितने हैं, 8, और डे 20 हैं। फिर व्हाट इज़ द कास्ट, कास्ट क्या होगा, अननोन है, और मेंबर कितने हैं, 12 हैं, और डे कितने हैं, 15 हैं। तो अब इसको हम जनरल फार्मूला किस तरह था कि जो अननोन क्वांटिटी है उसका साथ हम इस तरह एरर रखेंगे कि उसका हेड क्या हो, अपवर्ड हो। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनवर्स है। अगर 480 कास्ट है, 8 के लिए अगर हम मेंबर को बढ़ाते हैं तो कास्ट भी बढ़ेगा, तो ये भी डायरेक्ट है। अब अगर हम 480 है 20 डेज के लिए, तो अगर हम डे को कम करेंगे तो कास्ट भी कम हो जाएगा, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट है। तो बस फार्मूला इस्तेमाल करो किस तरह कि जो अननोन क्वांटिटी, टेल डिवाइड बाय हेड, टेल इधर क्या है, एक्स है, डिवाइड बाय हेड, हेड क्या है, 480, जो अननोन क्वांटिटी है। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इक्वल साइन लिखेंगे। फिर इन दोनों का, इसका टेल क्या है, 12 है, और हेड क्या है, 8, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये जनरल फार्मूला इस तरह हमने लेक्चर, इसके लेक्चर में हमने पढ़ा था, कंपाउंड प्रोपोर्शन के लेक्चर में। यहाँ टेल क्या है, 15 है, और हेड क्या है, 20 है। तो बस इसको क्या करो, सिंप्लीफाई कर लो। इस तरह हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 5 0 4 5 0 20, 4 3 0 12, और 5 1 0 5 5 3 0 15। तो x इक्वल टू 480 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया x डिवाइड बाय 480 इक्वल टू 3 3 0 9। अब और इधर क्या बच गया, 8, यहाँ क्या है, 8 भी है, तो इधर हम 8 भी लिखेंगे। 480 को उधर शिफ्ट करो तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 480। तो अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कि अगर दो हर नंबर की डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है, हम लिख सकते हैं। फिर हमने भी पढ़ा है प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन के रूल में, कि अगर एक मैट्रिक्स का डिनोमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 8 1 0 8 8 6 0 40 8 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 60। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 0 0 9 6 0 54। तो जो कास्टिंग वीट कास्ट है वो 12 मेंबर्स के लिए, 15 दिन के लिए, अगर 12 मेंबर्स हो और 15 दिन के लिए हो, तो फिर वीट का कास्ट क्या होगा, 540। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 4 सॉल्व करेंगे।